अपकमिंग मॉनसून सीजन, जैसे कि हम सबको पता है कि हमारे दिल्ली में न्यू पार्लियामेंट बना है, तो जो आज के न्यूज़पेपर में इसके बारे में जो भी जानकारी दी गई है उसको हम पढ़ेंगे। न्यू दिल्ली, द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन मई 28 को हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा पार्लियामेंट का उद्घाटन किया गया। द अपर ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर ऑफ द न्यू बिल्डिंग, द कीज एरियाज फॉर डेली फंक्शनिंग आर रेडी फॉर यूजेज। जो हमारी न्यू बिल्डिंग का अपर ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर है उस पे जो है जो डेली के जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं और जो वहाँ पे डेली के जो काम होते हैं उसको इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो चुका है। दे एडेड दिस एरियाज हाउस द लोकसभा, राज्यसभा, द स्पीकर एंड राज्यसभा चेयरमैन ऑफिस, द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस एंड रूम्स फॉर सीनियर मिनिस्टर एंड अ फ्यू पॉलिटिकल पार्टीज। मतलब वहाँ पे इन सब चीज़ों के लिए भी जो है तैयार हो चुका है, जैसे कि हमारी राज्यसभा, लोकसभा, वहाँ के चेयरमैन और जो सीनियर मिनिस्टर्स हैं और जो थोड़ी बहुत पॉलिटिकल पार्टीज हैं। फिनिशिंग टच आर बीइंग गिवन टू द रिमेनिंग एरियाज द फंक्शनिंग सेड। जो वहाँ के काम करने वाले हैं वो कह रहे हैं जो इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट सच एज द टेबल ऑफिस, द लेजिस्लेटिव ब्रांच एंड द नोटिस ऑफिस हैव been asked to shift to the new building। वहाँ पे जो है जो काम करने में बोले जो इम्पोर्टेंट जो डिपार्टमेंट है जिसके टेबल ऑफिस, लेजिस्लेटिव ब्रांच, नोटिस ऑफिस जो है उन्हें कह दिया गया है कि न्यू पार्लियामेंट में वो शिफ्ट हो जाए। A second constitutionally set the allotment of office for political parties will be done next week in the new parliament building. Nearly all political parties represented. जो second functionary मतलब काम करने वाले हैं वो बता रहे हैं कि जो है जो पार्लियामेंट की जो ऑफिस हैं वो जो है नेक्स्ट वीक यानी कि आने वाली नेक्स्ट वीक तो जो है वो अलॉट कर दिए जाएंगे काम करने के लिए, उनको जगह दे दी जाएगी। The Prime Minister office has only two rooms on the ground floor. जो Prime Minister है उनको सिर्फ दो रूम ही दिए गए हैं। The SPG operates from a small room at the basement. जो SPG है वहाँ के उन्हें एक small room basement में मिला है। There is an urgent need for a bigger space for PMO in the new building. वहाँ पे new building के अंदर जो है urgent जो है बड़े space की जगह की जरूरत पड़ी है PMO के लिए। In the old building मतलब पुराने वाले parliament में जो है top ranking PMO officials are allotted only a टेबल एंड अ चेयर। जो हमारे पीएमओ हैं जो पहले पार्लियामेंट पुराने वाले पार्लियामेंट में थे उन्हें पहले जो है सिर्फ टेबल और चेयर अलॉट किया गया था। सेकंड थर्ड फंक्शनरी मतलब बता रहे हैं मोदी लेट द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग ऑन December 10, 2020। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने न्यू पार्लियामेंट को जो पहला जो पत्थर रखा वो 10 दिसंबर 2020 में रखा गया था। बट कंस्ट्रक्शन वॉज डिलेड ड्यू टू द सेकेंड वेव ऑफ COVID-19 पेंडेमिक इन 2021। लेकिन ये डिले हो गया था क्योंकि COVID-19 का सेकेंड वेव आ गया था इस वजह से। Despite trade said the building has been built in record time with quality construction. बट जो पार्लियामेंट जो है जो उसका ये फिक्स टाइम किया गया था कि इतने टाइम में बन जाएगा और वो एक क्वालिटी इंस्ट्रक्शन के साथ उस कम टाइम में जो उन्होंने फिक्स किया था टाइम उसमें वो बना भी। द सेकेंड ऑफिशियल एडिट दैट कंप्यूटर एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स आर बीइंग फिटेड एंड दैट
inter exercise is expected to be over by June. मतलब जून के खत्म होने तक जो है जो सेकंड ऑफिशियल है उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट के अंदर कंप्यूटर्स वगैरह और जो अदर इंस्ट्रूमेंट्स है वो सब जो जून के खत्म होने तक वहाँ पे जो फिट कर दिए जाएंगे, मतलब कार लगा दिए जाएंगे. As she reported on June 1 that a large number of officials will continue to work from their existing offices and only a few sections will shift to the new building. जो मतलब जून की एक तारीख तक जो है लार्ज पार्टीज हैं, सिर्फ कुछ पार्टीज को ही न्यू बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाएगा, पूरी को नहीं किया जाएगा. द सेकेंड एंड द थर्ड फ्लोर ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग विल कंटिन्यू टू हैव पार्लियामेंट्री ऑफिस. मतलब जो है आधी पार्टी को न्यू बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाएगा और बाकी जो बचे वो पुरानी ओल्ड बिल्डिंग में थर्ड फ्लोर सेकेंड और थर्ड फ्लोर पे ही अपना काम करेंगे पार्लियामेंट्री का. थैंक यू. Yeah.